योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है, क्योंकि कंपनी विज्ञापन के जरिए लोगों को गुमराह और उनसे झूठे दावे कर रही है। जिसे बंद नहीं किया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ, सुनकर आप भी दंग रह गए ना, लेकिन यही हकीकत है। पतंजलि कंपनी आपसे जो वादे दावे करती है वो झूठ होते हैं, और इस झूठ को पतंजलि विज्ञापन के जरिए आप तक पहुंचाती है और आप यकीन कर लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एलोपैथिक दवाइयों को लेकर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनी को आड़े हाथों लिया है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि झूठे भ्रामक विज्ञापन बंद कर दें, वरना किसी बीमारी के इलाज वाले झूठे विज्ञापन के लिए हर प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की भी सलाह दी है। अदालत ने कहा कि पतंजलि को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो प्रेस में इस तरह के बयान देने से दूरी बनाकर रखे। इसके साथ ही इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस नहीं बनने की भी हिदायत दी। बता दें कि कोर्ट ने निर्देश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर दिया है। अदालत ने टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ रामदेव पर अभियान का आरोप लगाने वाली IMA की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस जारी किया था। IMA ने कई विज्ञापनों का हवाला दिया था जिसमें कथित तौर पर एलोपैथ और डॉक्टरों को गलत तरीके से दिखाया गया था। ये भी कहा गया था कि आम जनता को गुमराह करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन में लगी कंपनियों ने अपमानजनक बयान दिए हैं। IMA ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है, जिस पर टॉप कोर्ट ने सुनवाई की और केंद्र की ओर से पेश वकील से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के मुद्दे का समाधान तलाशने को कहा। पीठ अब IMA की याचिका पर अगले साल 5 फरवरी को सुनवाई करेगी। दरअसल रामदेव के झूठे विज्ञापनों में कोरोनिल भी शामिल है। आपको याद होगा जब कोरोना से लोग मर रहे थे, दुनिया में कहीं भी कोरोना की कोई दवाई नहीं थी, लेकिन बाबा रामदेव ने कोरोनिल को कोरोना को ठीक करने वाली दवा बताया। बवाल मचने पर उसे इम्यूनिटी बूस्टर बता दिया। हालांकि उनकी सफलता ये रही कि इसका प्रचार भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से करवा दिया गया। कोरोनिल पर भरोसा बढ़ाने के लिए एक और झूठ बोला गया। बताया गया कि कोरोनिल को WHO की ओर से दुनिया के 154 देशों में भेजने की मान्यता मिल गई है। WHO साउथ ईस्ट एशिया ने ट्वीट करके बताया कि WHO ने किसी भी पारंपरिक दवा को रिव्यू या सर्टिफाई नहीं किया है। तब इन्होंने साफ किया कि दवा को WHO कंप्लायंट GMP COPP सर्टिफिकेशन मिला था, जिसे DGCI जारी करती है। इस सर्टिफिकेशन का दवा का बीमारी पर असर से कोई लेने देना नहीं होता है, लेकिन जिस फर्जी दावे को केंद्रीय मंत्री लॉन्च करें, भला उस मामले में कोई कार्रवाई कैसे होगी। खैर, बाबा रामदेव और पतंजलि की हकीकत सामने आ ही गई कि किस तरह से वो झूठे दावे करती है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल THP News को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।